हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सुमन लेक्चरर। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं 2022 वाले जो 2022 वाले हमारे चैनल से स्टडी कर रहे हैं इस टाइम, और बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं। तो भाई, करना क्या है 2022 वाले स्टूडेंट को, आज मैं बताऊंगा कि हिंदी की तैयारी कैसे करें। ऐसा नहीं हर एक स्टूडेंट देख सकता है, लेकिन अब मेन में बता रहा हूँ ना कि हिंदी की तैयारी कैसे करोगे, आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये प्रिंटेड है, इस पर मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। ये मैंने प्रिंट कराया है, ठीक है। तो भैया, यह है विषय सूची, और आप लोगों को मैं बता दूं कि 30% कट करके बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि 30% कट करके क्यों बनाया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण भी 30% कट हुआ था 2021 में। तो ऐसा बात है नहीं कि 2022 में नहीं है ना, 2022 में भी है, और 30% इसमें भी कट किया जा सकता है। अभी फिलहाल मुझे एकदम कन्फर्म न्यूज नहीं पता है। देखो भाई, देखो, पहले तो आपको पूछा जाएगा हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। जो हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास होता है वो पूछा जाएगा। सेकंड आपसे पूछा जाएगा हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, मतलब ये पद्य साहित्य, ये गद्य साहित्य, ये दोनों से 5-5 मार्क के आपसे पूछे जाएंगे, 5-5 मार्क के आपसे पूछे जाएंगे, और आप लोगों को बताना है। ये आपके लिए 5-5 मार्क के आते हैं और आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। आगे, सबसे आगे पेपर में आपको मिलेगा। तो आप एक काम कीजिए, इन सबको तैयार करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लेना है। अगर आप 2022 में टॉप बनना चाहते हो, टॉपर बनना चाहते हो ना, तो अभी से पढ़ना हिंदी स्टार्ट कर दो। और हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, इसे आपको लेना है लगभग इन दोनों को पढ़ने के लिए 20 दिन। भाई मैं 20 दिन क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आपको इसके बारे में कुछ भी पूछा जाए तो ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता है, बिल्कुल पता होना चाहिए, आपके जुबान में रटा रहना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको 20 दिन दिया है। जबकि 2021 का अगर पेपर होता ना, तो मैं इसी चीज को ना दिया था बच्चों को ओनली 5 डेज, क्योंकि वो टाइम अलग था और अब टाइम अलग है, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत है और तब बच्चों के पास टाइम बहुत कम था, ठीक है, समझ में आया। अब देखो, आपसे पूछा जाएगा गद्यांश, जो गद्यांश होते हैं आपके बुक से रहेंगे, तो वो गद्यांश आपके, देखो मैं आपको बताता हूँ कितने चैप्टर्स थे, कितने चैप्टर्स अब हट गए थे और हट भी सकते हैं ये सब, ठीक है। लेकिन आपको जो हटा हुआ चैप्टर है उसे अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है हट जाए और हो सकता है नहीं हटे। तो मतलब आप एक काम करो कि जो हटा हुआ है ना उसे अभी मत पढ़ना, आप मित्रता पढ़ो, ममता पढ़ो, ये आपका हटा हुआ है, इसे आप ना पढ़ो, ठीक है, इसे आप ना पढ़ो, ठीक है। मैं बताता हूँ, ऐसा पढ़ो तो यार आप अच्छे नंबर लाओगे। भारतीय संस्कृति पढ़ो, फिर ये हटा हुआ है इसे ना पढ़ो, ठीक है, इस तरह तू ना गई मेरे मन से। एंड अजंता पढ़ो, फिर पानी पर चंदा और चांद पर आदमी इसको ना पढ़ो, क्योंकि हट गया है। एंड इसको इतने 7 चैप्टर्स थे और आपको पढ़ना कितना था, 1, 2, 3, 4 चैप्टर पढ़ना था, 3 चैप्टर कट चुके हैं, तो वो 3 चैप्टर अभी भी आपको कट करने पढ़ने हैं, केवल 4 चैप्टर पढ़ने हैं। मैं आपको बताता हूँ, 4 चैप्टर पढ़ने हैं ओनली, और आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसके लिए आपको कम से कम 15 दिन का समय होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको शेड्यूल बता रहा हूँ 2 से 3 महीना वाला, ठीक है, 2 से 3 महीना वाला। आपको भाई ऐसी बात नहीं है कि केवल हिंदी पढ़ोगे, हर एक सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, तो 20 दिन में आपको इसे समाप्त कर देना है, 15 दिन में आपको ये 4 चैप्टर समाप्त कर देना है। अच्छे से कुछ भी पूछ लिया जाना इससे रिलेटेड, तो आपको करना क्या है, बिल्कुल याद होना चाहिए, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, आपके जुबान पे लटा होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बहुत ज्यादा समय दे रहा हूं और समय इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर यू, ठीक है। देखो, अब पद्य की बात करते हैं, पद्य साहित्य या पद्यांश जो संदर्भ होते हैं, आपका कितना चैप्टर था, वो थे 11 चैप्टर, 12-13, यानी कि 13 चैप्टर थे, और आपको पद पढ़ना है, धनुष भंग व वन पथ पर, समैया कवित्य, भक्त नीति। अब इसे चीटी नहीं पढ़ना है, ठीक है, चीटी नहीं पढ़ना है। एंड इसे पढ़ना हिमालय से, स्वदेश प्रेम इसे पढ़ना, इसे नहीं पढ़ना, ठीक है। एंड झांसी की रानी की समाधि से पढ़ना है, भारत माता का या मंदिर इसे नदी नहीं पढ़ना है, ठीक है। मतलब चैप्टर कम थे, हमें लगता है अलग अलग दिए हुए हैं, इसे भी नहीं पढ़ना है, एंड इसे पढ़ना है, बस।
तो बच्चों देखो, आपको जो पढ़ना है उस पर फोकस करो, जो नहीं पढ़ना है उस पर अभी फोकस ना करो, क्योंकि अगर कहेंगे 30% कट है तो फिर आप उसे ना पढ़ना, और अगर आपका 30% कट नहीं रहेगा तो आप फिर पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको केवल 3 महीने नहीं बल्कि साल भर तो तैयारी करनी है। तो मैं आपको लगभग 2-3 महीने का मैं आप लोगों को शेड्यूल बता रहा हूँ, ठीक है, अभी से अगर पढ़ रहे हो तो भैया इसे आप लोग पढ़ने में ज्यादा नहीं, जितना स्थिति है इसका इतना भी रख दो 15 डेज, ठीक है, दोनों मिलाकर 1 मंथ हो जाएंगे। और 1 मंथ में आपको ये बिल्कुल पक्का कर लेने, कुछ भी पूछ लिया जाए तो आपको जुबान पर डटा होना चाहिए, ठीक है, समझ में आना, कोई दिक्कत आपको कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कमेंट, ठीक है। अब आती है आगे, देखो ये सारी चीजें थी अभी तक मैंने आप लोगों को बताया जो जो चीजें, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं संस्कृत खंड, संस्कृत खंड जो है ना, संस्कृत खंड देखो, संस्कृत खंड में गद्य एवं पद अवतरणों तथा श्लोकों का संदर्भ, ये भी आपसे पूछा जाता है। अब जितने भाई चैप्टर्स हो वो पढ़ लेना, 5 डेज आपको दे रहा हूं, ठीक है, 5 डेज या 10 डेज ले लो, 10 डेज, ठीक है, और सहित अनुवाद, एंड ये देखो रष्टन अलंकार, ये आपका काव्य सौंदर्य से है, इसको भी आप जो आप एक दिन में पढ़ सकते हो, 5 दिन में 10 दिन में जो आप ले सको, ठीक है, लेकिन 5 दिन से ऊपर ना लो, ठीक है। संस्कृत व्याकरण एंड निबंध लेखन एंड श्लोक भी इसी में है, तो इसे आप 10 दिन लिए रहो, ठीक है। अब देखो भाई इतनी चीजें हो गई खत्म, देखो काव्य सौंदर्य छंद अलंकार इसमें आ जाता है ना, एंड इसी देखो संस्कृत जो आपका आता है ना, संस्कृत व्याकरण, ठीक है, इसी में आपका जो उपसर्ग प्रत्यय ये सब आ जाता है, ठीक है, तो इन सब को लेकर आप कम से कम 15 डेज ले सकते हो, उपसर्ग प्रत्यय एंड पर्यायवाची, ठीक है, संधि, इन सब को आप ले सकते हो, ठीक है, समझ में आया, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका पूरा व्याकरण का इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसी के अंतर्गत आता है। निबंध लेखन का आप हमेशा पढ़ो एक एक, लेकिन 15 दिन मैंने दे दिया, लेकिन एक एक हमेशा पढ़ो, हर दिन पढ़ो, मजा आता है, ठीक है, निबंध पढ़ने में। अब देखो बात आती है खंड काव्य की, खंड काव्य जो आपके उधर आता हो, जो आपके जिले में आता हो वो पढ़ो, जैसे हमारे इधर आता है भाई ज्योति जवाहर, तो ज्योति जवाहर आता है तो बच्चे ज्योति जवाहर पढ़ लो, किसी के यहाँ कर्मवीर आए भरत तो वो पढ़ लो, मातृभूमि के लिए आए तो वो पढ़ लो, प्रेम मेवाड़ा जो आपके वहां आता हो उसे पढ़ लो, ठीक है, समझ में आना। तो ये था हमारा शेड्यूल 2022 वालों के लिए। अब भाई 30% कट रहेगा तो आप लोग 30% कट करके पढ़िएगा, अभी आपको 30% कट ही करके पढ़ना है, ज्यादा दिमाग पे बोझ नहीं रखना है, और फिर आपको 30% अगर कट होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी और अच्छी बात है, क्योंकि आपको सब कुछ पढ़ना है तो अच्छा रहता है कि ये ना पढ़ाओ वो ना पढ़ाओ, ऐसे में दिक्कत हो जाता है। तो भाई आप लोग करो कि अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट कर दो, जो 2022 वाले हैं जल्दी से आप लोग शेयर कर दो इस चैनल को, क्योंकि 2022 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर कर दो, क्योंकि ये चैनल 2022 वालों के लिए खास कर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा हर एक चीज, ठीक है, और 2021 वालों को भी वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर पेपर होगा, अगर कोई भी न्यूज आती है ना पेपर के बारे में, कोई भी न्यूज आएगी अगर पेपर होगा तो फिर 2021 वालों का भी क्लासेस चलना स्टार्ट हो जाएगा, और 2022 वालों का भी चल रहा है। तो भाई पढ़ो, दोनों लोग पढ़ो, क्योंकि ऐसा है नहीं कि आप 2021 वाले 2022 वाले को देख लोगे तो आपको रिएक्शन कर देगा, बुखार आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, आप उसे भी पढ़ सकते हो। आप इसे जैसे देख लिए ना, तो इससे चाहे 2021 वाले देखे, चाहे 2022 वाले, चाहे 2023 वाले, क्योंकि ये चीज जो है ना हर लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी बात नहीं कि हर एक स्टूडेंट देख सकता है, ऐसे मैं इन्फॉर्मेशन करना चाहता हूँ कि 2022 वाले के लिए तैयारी शुरू हो गई है, तो जो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं जल्दी से जुड़ जाओ, अब टाइम नहीं है, आप लोग पढ़ो अच्छे से यार, एक एक चैप्टर मन कहे पढ़ो, फिर आधा चैप्टर पढ़ो, क्योंकि आपके पास टाइम है, अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ो, जब आप अभी से मन लगाओगे तो आगे चलकर आपका मन लग ही जाएगा। अब देखो हिंदी के तो मैंने बता दिया, अब आपको अगर और भी चीजें चाहिए, और भी सब्जेक्ट, जैसे आपका इंग्लिश हुआ, ठीक है, मैथ हुआ, साइंस हुआ, इन सब चीज़ों पर चाहिए तो यार कमेंट करना, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई करूंगा और आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दो यार, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, चाहे वो साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, टीचर भी लाए जाएंगे, तो आप लोग यार चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि बहुत ही अच्छी तैयारी कराई जाएगी। अब आप लोग जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा कमजोर हो ना वो आप लोग कमेंट करो, क्योंकि आप लोगों का कमेंट जो है ना उसे देखूंगा, और जो जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा कमजोर हो उसे बताओ, उसका क्लास एकदम शुरुआत से लास्ट तक चला दिया जाए,
कि वो क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उस क्लास में आप लोग ज्वाइन होंगे तो अच्छे से आप लोग उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लोगे। वैसे साइंस तो मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा बहुत ही अच्छे से, मैथ भी पढ़ा दूंगा और हिंदी इंग्लिश और सब मैथ के लिए अदर टीचर हैं एंड और सब्जेक्ट के लिए भी अदर टीचर हैं, ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहता था। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। 2022 वाले के बच्चों के पास शेयर कर दो कि वो जल्दी से चैनल में जुड़ जाएं, क्योंकि अब आप लोग यार अभी से तैयारी करो। तो भाई वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों को ऐसे वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।